गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। इंदौरा में देर रात लग गई आग, 2 लाख का नुकसान। कुल्लू में कोविड-19 जागरूकता वाहन करेगा लोगों को जागरूक। मंडी के सुपहणी धार में है पर्यटन की अपार संभावनाएं। बैंड बाजे के साथ निकली कलश यात्रा, भगवान नरसिंह देव का लिया आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। ब्लॉक इंदौरा की पंचायत मंड मियानी के गांव मंड मंजवाह में देर रात आग लगने से लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुज्जर समुदाय के रोशन दीन और याकूब के पराली के ढेर को रात में कुछ शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिस कारण लगभग 2 लाख रुपए की पराली जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ित दोनों परिवारों के पास 200 से अधिक भैंसे हैं तथा उनके लिए इकट्ठी की गई पराली जल जाने से उनके लिए सूखे चारे की एक गंभीर समस्या बन गई है। पंचायत प्रधान कसिम दीन ने मौके का जायजा लिया और सरकार व प्रशासन से पीड़ित परिवारों को सूखा चारा उपलब्ध करवाने तथा आर्थिक मदद दिलवाने की गुहार लगाई है। मैं प्रधान कसिम दीन, ग्राम पंचायत मंड मेनी। मेरी पंचायत में रात 1 बजे के करीब करीब मेरे को फ़ोन गया कि यहाँ हमारे गुज्जर समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर आग लगी है। तो मैं मौके पर आया और फिर ब्रिगेडर भी हमने मंगवाई, फिर पुलिस वाले भी आए तो हमने देखा कि इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोविड-19 जागरूकता वाहन को जिला मुख्यालय कुल्लू से उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वाहन जिला कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करेगा। लिहाजा बुधवार को सुबह 10:30 बजे इस वाहन को जिला मुख्यालय कुल्लू उपायुक्त कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वाहन को कोविड जागरूकता फैलाने के लिए लगाया गया है। यह अभियान जो है वो भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ये 4 दिन तक पूरे जिला में अभियान चलेगा, जिसमें ये जो विभाग की टीम है ये जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करेंगे। इस वैन के माध्यम से पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू मैसेज जो है वो जगह जगह पहुंचाया जाएगा। मंडी जिला की सराज घाटी में प्राकृतिक दृष्टि से ऐसे कई मनोरम स्थल हैं जिनको विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक तरफ जहां सराज विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, जिसके चलते सराज क्षेत्र के कई अनछुए धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को विकसित भी किया जा रहा है और कुछ पर्यटक स्थलों को विकसित किया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सराज घाटी में ऐसे कई अनछुए पर्यटन स्थल हैं जिनको विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर ही कार्य करने का मौका मिले। ऐसा ही एक पर्यटन स्थल सराज विधानसभा क्षेत्र के सुपहणी धार में है, जहां पर्यटन कारोबार के लिए अपार संभावनाएं हैं। क्षेत्र के हजारों लोगों की मांग है कि सुपहणी धार को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाए। प्रदेश के एजुकेशन हब का दर्जा प्राप्त करने वाले जिला सोलन के कंडाघाट में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल
उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जा रही है। ये स्कूल कंडा घाट से चायल को जाने वाले मार्ग पर 3 किलोमीटर आगे स्थित है। इस स्कूल में रोबोटिक लैब, डिजिटल अध्यापन के लिए आईपैड, स्मार्ट क्लासरूम, विश्व स्तरीय लाइब्रेरी, विदेशी भाषाओं की जानकारी सहित सुदृढ़ आधारभूत ढांचे के साथ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल मैदान, घुड़सवारी, स्विमिंग पूल व अन्य सुविधा भी उपलब्ध है। और तो और इस स्कूल में IGCSE प्रोग्राम की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके तहत विद्यार्थी सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। इस स्कूल में बच्चों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9882040097 या 7559640097 पर। कथावाचक आचार्य रघुनंदन शास्त्री आचार्य लक्ष्मीकांत शास्त्री के नेतृत्व में नगरोटा सूर्या में एक विशाल बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ये कलश यात्रा शिव मंदिर मुख्य बाजार से होती हुई भगवान नरसिंह देव मंदिर में माथा टेकने के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। लगातार एक सप्ताह तक इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन होगा और 14 फरवरी को इस श्रीमद् भागवत कथा का समापन होगा। समापन समारोह के एक दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो आज के मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल।